हेलो हाय एवरीवन, दिस इज निखिल दुबे। वेलकम टू सिंपल वाली पढ़ाई। और आज हम डिस्कस करेंगे लूसिंग केमिस्ट्री के नेक्स्ट टू पेजेस। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम बात करेंगे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की। तो जो वाटर पोल्यूशन है, दैट इज़ मेजर्ड बाय बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड 6% से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि जो पानी है वो काफ़ी ज़्यादा पोल्यूटेड है। BOD का सिंपल भाषा में मतलब ये होता है कि कितनी ऑक्सीजन चाहिए ऑर्गेनिक वेस्ट को पानी से रिमूव करने के लिए बाय एरोबिक बैक्टीरिया जो पानी में प्रेजेंट है। एरोबिक बैक्टीरिया वही हैं जो वर्क करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जो वाटर की क्वालिटी है वो काफ़ी कम होगी, जिसका फर्दर मीनिंग ये है कि जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होगी पानी में, उसकी जो क्वांटिटी है वो काफ़ी कम होगी, जिसकी वजह से जो एक्वेटिक लाइफ है वो पानी में सर्वाइव नहीं कर पाएगी। अब हम अपोजिट की बात करें कि अगर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अगर लो हो, तो इसका मतलब कि ऑक्सीजन कम ऑक्सीजन चाहिए ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए जो पानी में प्रेजेंट है। इससे ये पता चलता है कि जो पानी में जो पोल्यूशन है वो काफ़ी कम है, और जो पानी है वो काफ़ी साफ़ है, और जो उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी ज़्यादा है। तो अब हम बात करते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और वाटर क्वालिटी की। अगर ये एक या दो के बीच में है, दैट इज़ कि पानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्योर है, उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। अगर ये 3 और 5 के बीच में है, दैट मीन्स जो वाटर क्वालिटी है दैट इज़ मॉडरेटली क्लीन, फिर भी साफ़ है। अगर 6 या 9 है, 6 या 9 के बीच में है, इसका मतलब जो वाटर क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा प्योर है। लाइकेंस की बात की जाए, तो ये सिम्बियोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगी और एल्गी कहा जाता है इसे, और इट इज़ यूज टू मेज़र वाटर पोल्यूशन को मेजर करने के लिए। इसको यूज़ किया जाता है लिटमस पेपर को मैन्युफैक्चर करने के लिए। सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर की बात की जाए, तो दैट इज़ क्या सोर्स है ऑक्सीजन का, जो वाटर बॉडीज़ हैं, दैट इज़ एक्वेटिक प्लांट्स एंड प्लैंकटॉन्स। वाटर हाइसेंथ एक ऐसा प्लांट है जो पॉल्यूटेड वाटर में ग्रो करता है, तो इससे हमें वाटर के पॉल्यूशन के लेवल का भी पता चलता है। ओजोन की बात करते हैं, ओजोन को एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन भी कहा जाता है, और ये हमें प्रोटेक्ट करता है अल्ट्रावायलेट रे से। ये काफ़ी कॉमन पॉइंट है, सबको पता होगा। इसको हम यूज़ करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ स्टरलाइजेशन। तो जो फर्स्ट ओजोन होल था वो देखा गया था एंटार्क्टिका में 1975। तो उसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था जो 1985 के बाद इंप्लीमेंट हुआ था, जो डील करता है विद द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। अब हम नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। नाइट्रोजन की बात करेंगे और उसके जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं नाइट्रोजन से रिलेटेड, वो हम डिस्कस करेंगे। नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, दैट इज़ अराउंड 78%, और ये आपको बेसिकली सबसे ज़्यादा मिलेगी मेसोस्फेयर में। ये थर्ड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है। परसेंटेज वाइज अगर बात की जाए, तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन आता है नंबर 1 पे, नंबर 2 पे ऑक्सीजन, नंबर 3 पे आर्गॉन, और नंबर 4 पे आएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और नंबर 5 में आपको मिल जाएगा नियॉन, हीलियम और क्रिप्टॉन। थंडरिंग के टाइम पे जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। कुछ लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, उनकी जो रूट्स होती हैं उसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, और वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। अब हम कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया देख लेते हैं, जैसे राइजोबियम हो गया, एजेटो वैक्टर हो गया, नाइट्रो वैक्टर हो गया। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं क्या और इनका काम क्या है। नाइट्रोजन को हम यूज़ करते हैं इन फूड पैकेजिंग, ये दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, कभी कभी MCQ बनता है। लिक्विड नाइट्रोजन को यूज़ करते हैं इन द प्रिजर्वेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी ऑर्गन्स, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं वो रिलीज होती हैं पैडी फील्ड से भी, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। MCQ में पूछेगा कि ग्रीन हाउस गैसेज आर रिलीज फ्रॉम पैडी फील्ड, बताओ सही है या गलत। तो जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है। ब्लू ग्रीन एल्गी को यूज़ किया जाता है एज ए बायो फर्टिलाइज़र इन पैडी फील्ड्स। कुछ इंसेक्टिवायरस प्लांट्स की बात करें, तो पिचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप, नेपथैनस और ड्रॉसेरा, और भी काफ़ी इंसेक्टिवायरस प्लांट्स हैं, लेकिन आपको मेनली इतना तो पता होना चाहिए। उसके बाद ये क्वेश्चन आता है कि ये इंसेक्ट्स क्यों खाते हैं। इंसेक्ट्स ये इसलिए खाते हैं टू फुलफिल नाइट्रोजन डेफिशिएंसी। सो गाइस, आज हमने डिस्कस किए 2 पेजेस, तो दिस इज़ मोर देन इनाफ। आप इतना ही रखो, और नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे लूसेंट केमिस्ट्री के 2-3 पेजेस, और विद इन आई थिंक मोर एक 2-3 वीडियो में ये पूरा लूसेंट केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा। टिल देन, इट्स मी निखिल दुबे साइनिंग ऑफ। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। थैंक यू।